नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने टूर प्लान किया है और आप एक अच्छा और सस्ता होटल सर्च कर रहे हैं तो booking.com आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। मैं आपको बोलता हूं, बताता हूं कि आप किस प्रकार से अच्छा होटल सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप प्लान बना रहे हैं कि आपको शिमला जाना है, 18-19 तारीख की डेट है और आप लोग दो लोग हैं, तो शिमला में देखिए इतने सारे होटल हैं, पर इसमें जो नॉर्मल होटल वाले डिस्काउंट दे रहे हैं या जो booking.com अपने को डिस्काउंट दे रहा है उसमें ये सब दिया हुआ है, जो भी डिस्काउंट है ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है। पर इसके अलावा आपको अच्छा होटल सर्च करना है, जो बेस्ट होटल हो, जहाँ रिव्यूज़ इसको जिनके अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो और होटल सस्ता भी होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए करना ये है कि आपको सबसे पहले जब भी booking.com ओपन करें, सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन आप जीमेल से, फेसबुक से या booking.com की आईडी में खुद में जाके भी आप कर सकते हैं। मैंने जीमेल से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने लोकेशन डाला, डेट डाली और संख्या डाली, गैस संख्या, और सर्च कर दिया, तो देखिए जीनियस 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 लेके आ गया। booking.com का सबसे अच्छा फीचर है जीनियस डिस्काउंट। इस डिस्काउंट में यह होता है कि अगर आपने सिर्फ लॉगिन भर कर दिया है तो जो प्रॉपर्टी जीनियस डिस्काउंट में आती है वहाँ से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। जो भी प्रॉपर्टी जीनियस डिस्काउंट में आती है वहाँ से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप लॉग आउट करके ये प्रॉपर्टी देखेंगे जहाँ जहाँ जीनियस लिखा हुआ है तो 10% ज़्यादा करके प्राइस आएगा, पर लॉग इन करके देखेंगे तो एटलीस्ट 10% कम करके प्राइस आएगा। अब आप देखिएगा, अब हमको इसमें क्या देखना है, अच्छा और सस्ता। अच्छा देखने के लिए हमको सबसे पहले जीनियस प्रॉपर्टी ही सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो जीनियस नहीं है, जीनियस का क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि प्रॉपर्टी का 7.5 या उससे अबव स्कोर होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे देखना है 8, जिनका स्कोर 8 या उससे ज़्यादा है, तो हमें लगाना है दोस्तों फिल्टर। फिल्टर लगाने से पहले हम पहले शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखो जीनियस का एक बना हुआ है, GENIUS, इसमें हमें सेलेक्ट कर देना है। मतलब हमें सिर्फ जीनियस प्रॉपर्टी ही दिखनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें फ़िल्टर में जाना है और फिल्टर में जाने के बाद सीधे हमको जाना है रेटिंग्स में, रिव्यू रेटिंग्स में हम नीचे यहाँ देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिव्यू रेटिंग कहा, रिव्यू रेटिंग या रिव्यू स्कोर एक ही चीज़ है। रिव्यू स्कोर में जाना है और 8, वेरी गुड, 8 प्लस में जाके हमें क्लिक करना है, या हम 9 प्लस में भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले 9 प्लस में देख लेते हैं, उसमें 45 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम 9 प्लस में सेलेक्ट कर दिए हैं और शो रिज़ल्ट में गए। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो प्रॉपर्टी आएगी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आएगी जिनका स्कोर सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि प्रॉपर्टी जो है सभी जीनियस रहेगी। अब दोस्तों इसमें हमें और एक चीज़ देखना रहेगा, रिव्यू स्कोर तो हमने डाल दिया है 9 प्लस है ना, और जीनियस प्रॉपर्टी भी हमने सबमिट कर दिया है, पर अब मेन चीज़ एक चीज़ और देखना है कि रिव्यू की संख्या कितनी है, क्योंकि दोस्तों 3-4-5 रिव्यू तो कोई भी डाल लेता है, कोई भी, वो 3-4-5 रिव्यू से पता नहीं चलता कि प्रॉपर्टी कैसी है। कम से कम 20 रिव्यू के ऊपर हो, आप ऐसा समझो 20 रिव्यू के ऊपर होना चाहिए। अब जैसे ये पहले नंबर की प्रॉपर्टी है, प्राइस है 585, पर इनके जो रिव्यूज़ है सिर्फ 11 है, मतलब 11 लोग यहाँ आके रुक के अपना रिव्यू डाल के गए, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर्टी कैसी होगी। हम और नीचे आके देखेंगे तो और भी प्रॉपर्टी दिखेगी, ये 1620 में जाकू वाइब्स करके दिखा रहा है, ये हमारे बजट में भी है। फिर ये 1296 में देव होम स्टे बता रहे हैं, पर ये देव होम स्टे में 54 रिव्यूज़ हैं और 10 के रिव्यू, मतलब ये बहुत अच्छा रिव्यूज़ है, 54 रिव्यूज़ हैं और 10 का रेटिंग है, मतलब ये बहुत 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 अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी। 1296 रेट है, मतलब ये रीजनेबल रेट है। अगर हम ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं और भी डिटेल्स देखते हैं तो ये बजट रूम 1296 का है, फिर ये दूसरा रूम है फैमिली रूम विद प्राइवेट बाथरूम, ये 1530 का है। 1296 में अगर ये लोग दे रहे हैं सबसे बेसिक रूम, तो इससे थोड़ा सा अबव वाला देखिएगा, 1530 वाला, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। फिर रेट बढ़ता चला जाएगा तो देख लीजिएगा, ब्रेकफास्ट नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल वगैरह अलग अलग रह सकता है, फ़ोटोज़ वगैरह देख लीजिए, पर लोगों ने बोला है अच्छा रूम है, मतलब बहुत अच्छा रूम्स रहेगा, ये सर्विस अच्छी होना चाहिए, जो होस्ट है वहाँ का अच्छा होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, सिटी सेंटर के आसपास होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ये सब चीज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बाद में बनाऊँगा। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं ये बताना चाहता हूँ
कि बेस्ट होटल और सस्ता सस्ता होटल और बेस्ट होटल हम कैसे सर्च कर सकते हैं। इसमें होटल भी हो सकते हैं, होम स्टे भी हो सकते हैं, गेस्ट हाउस भी हो सकता है, टेंट हाउस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ढूंढने का यही सबसे बेस्ट वे है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने लॉगिन किया आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये एक चीज़ है। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको अलग अलग डिस्काउंट उपलब्ध होगा, एक में रहेगा 10%, एक में रहेगा 20%, एक में रहेगा 30%, एक में रहेगा 35%, अलग अलग टाइप के आपको डिस्काउंट उपलब्ध होंगे। अब मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। तो दोस्तों ये ऐसे होगा कि आपको booking.com खोलना है, आपके प्रोफाइल में जाना है, सर्च में ही रहना है आपको, ये सर्च नीचे सर्च लिया यहीं पे रहना है आपको, ये जीनियस में क्लिक करना है, जीनियस में। जैसे आपने लॉगिन किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यू आर इन जीनियस लेवल 1 प्रोग्राम, मतलब आप लेवल 1 में है। लेवल 1 का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने लॉगिन किया तो आप जीनियस लेवल 1 में आ जाएंगे। 1 में आपको लाइफ टाइम के लिए, अगर आप 1 में ही रहेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको 10% का डिस्काउंट उपलब्ध होगा। पर दोस्तों अगर आप कंटिन्यू booking.com से बुकिंग करते रहेंगे, 2 साल में समझ लीजिए आपने 5 स्टे कंप्लीट कर लिया है, तो 6वें स्टे पे आपको 10-15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्री ब्रेकफास्ट मिलेगा, फ्री रूम अपग्रेड मिलेगा। और अगर दोस्तों आप लेवल 3 में पहुंच गए, मतलब 2 साल के अंदर आपने 15 स्टे कंप्लीट कर लिया, तो 16वें स्टे से आपको 10-30% तक का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10-20 और 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 30 ऐसा कि अगर किसी प्रॉपर्टी ने डायनेमिक डिस्काउंट एक्टिवेट करके रखा है और 20% उसका जीनियस लेवल डिस्काउंट है, तो 20+10 मतलब टोटल 30% का आपको डिस्काउंट उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों जीनियस प्रोग्राम में 10%, 20%, 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिल सकता है, या आपको फ्री रूम अपग्रेड मिल सकता है, या प्रायोरिटी सपोर्ट ऑन ऑल बुकिंग्स, मतलब आपकी सारी बुकिंग में प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिल सकता है। ये लेवल 3 में होता है। दोस्तों अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ। दोस्तों इसमें जो डिस्काउंट अभी आपने देखा है, जीनियस लेवल 1, जीनियस लेवल 2, जीनियस लेवल 3, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का अपना होम स्टे, मैं अपना होम स्टे रन करता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा अभी फ़िलहाल, मैं आपको आगे बोलता हूँ। दोस्तों मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो डिस्काउंट दिखे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अब अगर होटलियर खुद चाहे कि उसे लेवल 3 वाला कस्टमर बुकिंग करा रहा है जिसको 20% डिस्काउंट मिलता है, पर अगर वो होटलियर चाहे कि उसको लेवल 3 और लेवल 2 वाला डिस्काउंट नहीं देना है, सिर्फ लेवल 1 वाला डिस्काउंट रखना है, तो वो वही डिस्काउंट रख सकता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टी में ऐसा हो सकता है कि आप लेवल 3 में आते हो, पर अगर आप जीनियस प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो होटलियर के ऊपर है। होटलियर चाहे तो लेवल 3 तक का डिस्काउंट रख सकता है, और अगर ना चाहे तो सिर्फ लेवल 1 का डिस्काउंट रख सकता है। लेवल 1 का रखना जरूरी है क्योंकि ये booking.com की पॉलिसी है। अगर आपको जीनियस प्रॉपर्टी कंटिन्यू रखना है तो आपको एटलीस्ट 10% का डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, इसलिए आपको लेवल 1 का डिस्काउंट हमेशा मिलता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।